सिविल सेवा की प्री परीक्षा 2019 रविवार को आयोजित हुई। ये परीक्षा दो पारियों में संपन्न हुई। इसमें दोनों पेपर जनरल स्टडीज पर आधारित रहे। राजधानी में करीब 45,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा में नकल रोकने के लिए आयोग ने खास तैयारी की थी, साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी की गई। गौरतलब है कि प्रदेश में जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर में यह परीक्षा आयोजित की गई है। आपको बता दें कि सिविल सेवा एग्जाम 2019 के जरिए कुल 896 IAS, IPS, IFS और केंद्र में ग्रुप ए के पद भरे जाएंगे।